बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को लेकर सरकारें पुरजोर प्रयास कर रही हैं, मगर इसमें स्वयंसेवी एकेडमी भी पीछे नहीं है। इस बोर्ड को गौर से देखिए, जिस पर लिखा हुआ है चक दे इंडिया उर्फ एमटी पैंथर एकेडमी। जी हाँ, यह एकेडमी है जो चक दे इंडिया नाम की गरिमा को बढ़ाते हुए क्षेत्र की बेटियों को उनके हैरतअंगेज कारनामे और उनके साहसी कारनामों के लिए शिखर तक ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वैसे बताया भी जा रहा है कि इस एकेडमी का नाम इलाके के सांसद मनोज तिवारी के नाम पर भी रखा गया है। मनोज तिवारी इन बेटियों को किस तरह प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद है, जो पैंथर एकेडमी को वोट लिया था, उनसे बात कर सर बात की जाए, जो हमारी बेटियां का ऑनर निकलने आगे क्या करना चाहिए। जो हमारी खजुरी में स्थित एक जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, जिसको अजहर चला रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा गाये बगाए उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि उस ट्रेनिंग सेंटर ने तमाम टैलेंट्स खोजे हैं और उनमें कई बच्चियों ने तो इतना हैरत अंगेज काम कर रखा है कि उसको देख कर सुन करके आपको दांतों तले उंगलियां दबाने को विवश होना पड़ता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन बच्चों को जल्दी ही एक अच्छा जगह मिल जाए, जहां पे इस तरह के नॉर्थ ईस्ट के सारे टैलेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिले। मैं उस बच्ची को बहुत, एक हमारे यहाँ बच्ची है जो अपने बालों से बड़ी बड़ी गाड़ियां खींच लेती है, उसके कारनामों को लोग देख रहे हैं, और मैं समझता हूँ हम सभी को ऐसे टैलेंट्स को उभारने के लिए आगे आने की जरूरत। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे उन बेटियों के लिए? वो बेटियां इस बात को सिद्ध करती हैं कि प्रधानमंत्री जी का कहा हुआ कि बेटी बढ़ाओ बेटी सजाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सबको इसमें लगना चाहिए। हम आपको इस एकेडमी से प्रशिक्षण ले रही बेटी के हैरतअंगेज कारनामे दिखा रहे हैं। हमारे साथ इसी एकेडमी की 14 साल की अनम है। इस एकेडमी में प्रशिक्षण लेकर एक मुकाम हासिल किया है, जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस समय मौजूद है श्रीराम कॉलोनी, जहां पर पैंथर एकेडमी यानी चक दे इंडिया पूरे अपने जीतोड़ मेहनत के साथ बेटियों को एक मुकाम हासिल करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। इसी के मौजूद है 14 साल की अनम, इनसे बात करते हैं क्या उनके कारनामे, क्या मैं बात की जाए क्या ऐसे कारनामे जिसकी वजह से आप इस मुकाम पर हैं। मैं मतलब बालों से कार खींच लेती हूँ और दुनिया में मतलब लोग एक गाड़ी खींचते हैं, मैं दो गाड़ी खींच लेती हूँ एक साथ। अनम, बात की जाए कब से एकेडमी से जुड़े हो, क्या क्या अभी तक आपने महारत हासिल की है? मैं इस एकेडमी से 7 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं बालों से कार भी खींच लेती हूँ। एक अहमद हुसैन नाम के भैया थे, पाकिस्तान के पेशावर में रहते हैं, जो 1 मिनट में 190 किक चला लेते हैं और मैं 1 मिनट में 300+ किक चला लेती हूँ और मैं हेड बैलेंस कर लेती हूँ 1 लेग पे विदाउट हैंड। कहाँ से प्रेरणा मिली, कहाँ से सोचा कि इस तरह के कारनामे करने हैं? और मैं काफी सारी एक्शन मूवीज देखती थी जिसमें मतलब लड़कियाँ मतलब मुंह तो जवाब देती थी लड़कों को, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ये सब करके देखूंगा। सोच रखा है क्या आगे बनना है, क्या करना है पूरी? मुझे आगे चल के देश के लिए खेलना है और देश की लड़कियों को ये संदेश देना है कि वो कभी भी लड़कों को कम ना समझे। बात की जाए अनम, कई बार आप टीवी शोज में भी आए हैं, क्या क्या उसमें सोचते, क्या क्या परफॉर्मेंस? मैंने उसमें मार्शल आर्ट दिखाई है और सेल्फ डिफेंस वगैरह दिखाई है। क्या संदेश देना चाहेंगी बेटियों को? मैं देश की लड़कियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि वो अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझे और लड़कों को मतलब कोई भी उन्हें परेशान करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे। इसी के चलते हमारे साथ पैंथर एकेडमी के जो कोच हैं अजरुद्दीन जी, बात करें सर, बात की जाए, अनम ने काफ़ी मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि एकेडमी में एक अनम ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छा मकाम हासिल कर रखा है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं स्पीड से कुछ ज़्यादा तेज दौड़ते हैं, वो है अनम। अनम से बात की जाए, क्या क्या उसने ऐसी महारतें हासिल की हुई हैं, क्या क्या फील्ड में? उन्हें सबसे पहला तो उसका रिकॉर्ड जो है कार खींचने का है, जो पहले उन्होंने एक स्टार्ट करा था एक कार खींचने का, फिर दो का हुआ, अब वो मिनी बस खींचने की पूरी तैयारी है। फिर उसका एक पाकिस्तान का रिकॉर्ड है 1 मिनट में 190 किक चलाने का, ये 300 से ऊपर किक चलाती है और 30 सेकंड मेरे सर के ऊपर ये बैलेंस कर लेती है बिना हाथ लगाए, इधर स्ट्रेचिंग ऊपर ले जाती है और ये GTV पे भी इसका रिकॉर्ड बनाता है और ये शो GTV थी उसमें GTV पे। इस तरीके से पैंथर एकेडमी काम कर रही है, अभी उसके और बच्चे हैं, क्या उनके? हमारे ज़्यादातर लेके चले हैं हम लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने के, जो ये लड़कियाँ ये समझें कि हम किसी से कम नहीं हैं, बहुत मेहनत करती हैं इस चीज़ के लिए और थाने से भी काफ़ी इन्हें सपोर्ट मिलती है, थाने में भी ये सिखाने के लिए गई हैं और काफ़ी चैनलों पर काम कर चुके हैं, कम से कम 7 चैनलों पर ये काम कर चुके हैं और
बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो बच्चे बनाने में लगे हुए हैं। बात की जाए जो एम्प्टी जो वर्ड है उसका क्या मतलब है, क्या हाँ उसका मतलब है, एम्प्टी का मतलब है मनोज तिवारी पैंथर्स अकेडमी, ये नाम दिया है उन्होंने। हमारे जो एरिया के सांसद हैं मनोज तिवारी जी, जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमारी टीम को जब वो देखा पहली बार वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने तुरंत इन्हें घोषणा कर दी कि मैं इस टीम को गोद लेना चाहता हूँ। मौजूदा से बात करना सर, बात की जाए एम टी अकेडमी रखी गया नाम, क्या कहना चाहेंगे जो सांसद मनोज तिवारी की गोद ली हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये एम टी पैंथर्स अकेडमी माननीय सांसद जी से मिली तो बच्चों से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि मैं इस अकेडमी को गोद लेना चाहता हूँ, तो उनकी सलाह पर हमने उसका एम टी पैंथर्स अकेडमी यानी मनोज तिवारी पैंथर्स अकेडमी इसका नाम रखा। जब से उनका नाम रखा गया तब से वैसे हमारे पूरे देश में ये हमारी अकेडमी की चर्चा होती है, सब लोग जानते हैं कि ये माननीय सांसद जी के नाम से पैंथर्स अकेडमी चल रही है। अकेडमी के लिए क्या कहना चाहेंगे, बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो कोच है किस तरीके से बच्चे इतनी मेहनत से इतनी लगन से काम करते हैं, उसका सारा श्रेय हमारे कोच अजहरुद्दीन को जाता है जो एक मैकेनिक होने के बावजूद भी उन बच्चों को पूरा 2 घंटे टाइम देते हैं, इंटरिंग टीम और बच्चे पूरी मेहनत से कार्य करते हैं और ये बच्चे एक दिन देश का नाम रोशन करेंगे जरूर। अनम के लिए क्या कहना चाहेंगे, उसका एम सेल उनका बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अनम को तो बेस्ट ऑफ लक ही कहूँगा, ये अपनी जितनी भी देश की बेटियाँ हैं मैं कहूँगा कि अनम से प्रेरणा लेकर और आगे बढ़े और सेल्फ डिफेंस के लिए अपने मजबूत रहे। ये थी हमारे साथ 14 साल की अनम, जो काफ़ी हैरत अंगेज कारनामे करके दिखाए उन्होंने, अपने बालों से 2 जो बड़ी गाड़ियाँ उनको खींच के उन्होंने एक नाम अपना जो लिम्का के लिए आगे प्रोत्साहित कर दिया है। तो हम यही कहना चाहेंगे जो कि ये अनम की बहादुरी को और आगे ले जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर करें ताकि हम ऐसे ही और बहादुर बेटियों की कहानी आप तक पहुँचा सकें। अगर ये खबर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें। कैमरामैन प्रेम सोलंकी के साथ संदीप कुमार तेज निभाएं दिल्ली।